प्रदीप जी, स्टॉक्स जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, कौन से स्टॉक्स में क्या कर रहे हैं। सर, एक स्टॉक जो मुझे आज के डेट में बहुत ही अच्छा लग रहा है, कंपनी का नाम है चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। 732 चल रहा है। मुझे लगता है कंपनी ने जो कोरोना टॉप है, कोरोना टॉप के ऊपर आया था, उसके बाद आने के बाद बहुत अभी चल गया है, एंड चलने के बाद कंपनी ने कंसोलिडेशन पैटर्न बनाया, एंड वीकली चार्ट में जो एक फ्लैग पैटर्न बनाया कंपनी ने, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड ये सर बहुत ही कम स्टॉक में दिखाई देता है कि चलने के बाद रिट्रेसमेंट, फिर से चलने के बाद रिट्रेसमेंट, एंड अभी का जो रिसेंट एक हाई बनाया था 742-745 के आसपास, तो मुझे लगता है अभी चोला इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड 731-732 पे चल रहा है। अगर कभी भी 740 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो एक स्विंग ट्रेड अच्छा बन जाएगा 10-15 ट्रेडिंग के लिए, एंड मेरा जो टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट 775 एंड सेकंड टारगेट 825, एंड मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा सर, स्टॉप लॉस रहेगा 688 688 रहेगा मेरा स्टॉप लॉस, एंड पहला टारगेट 775 एंड सेकंड टारगेट 825। ठीक है, ये टारगेट और स्टॉप लॉस तो समझ गया सर। खरीदारी अभी नहीं करनी है 730 पे, 740 के ऊपर करनी है सर, 740 के ऊपर हमें यहाँ पे करना है, बाइंग करना है। ठीक है, तो वही आज का हाई उन्हीं लेवल्स के आसपास जाकर के और वापस से थोड़ा सा वही काम कर रहा है। अगर सर, वहाँ पे रेजिस्टेंस है स्टॉक पे 740 के ऊपर, एक क्लोजिंग आना चाहिए। अगर एक क्लोजिंग आता है तो मुझे लगता है इस काउंटर पे हमें 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन में जो मैंने आपको टारगेट बताया वो पॉसिबल है, एंड फंडामेंटली बहुत अच्छा है कंपनी, एंड टेक्निकली भी अच्छा है। और आपको भी बताया कि मैं फंडामेंटल टेक्निकल दोनों हमेशा मार्च करके बताता हूँ, जो कि एक स्विंग ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। ठीक है, तो बहुत हेल्दी होता है क्योंकि दोनों चीजों का सपोर्ट मिल जाता है, कुछ भी आप गलत नहीं कर रहे होते हैं। कि कई बार चार्ट्स आपको कुछ बता रहे हैं लेकिन खबरें कुछ और हैं, तो आप कहीं फंस गए, ट्रैप हो गए, ये नहीं। आपने दोनों चीजें देख ली कि कंपनी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है और चार्ट भी बढ़िया बता रहे हैं, तो दोनों चीजें जब दोनों का फायदा ले लीजिए तो और क्या, क्योंकि दो ही चीजें हैं बाजार में, या तो टेक्निकल है या फंडामेंटल है। तो अगर दोनों चीजों को आपने समझ लिया, और दो इतना सिंपल नहीं है क्योंकि टेक्निकल अपने आप में बहुत बड़ी चीज है और फंडामेंटल अपने आप में और बड़ी चीज है या और बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है, लेकिन दोनों को मिक्स करके अगर निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छा है। 740 के ऊपर यानी क्लोजिंग आज की इम्पोर्टेंट है। प्रदीप जी, अगर मैं ये कहूँ कि अगर यहाँ पे 740 के ऊपर में ये मेरे को 10-15 मिनट या आधा घंटा अगर सस्टेन कर जाता है तो भी मैं एंट्री कर सकता हूँ। ये सर फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है, अगर 30 मिनट इसके ऊपर सस्टेन करे तो डेफिनेटली आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, तो आज की एक बढ़िया पिक चोलामंडलम फाइनेंस। ठीक है।